तो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी एक और वीडियो में, जो कि हमारी इससे पिछली वाली वीडियो का क्या कहते हैं उसको, टाइटल था कि सोकरों में आवाज़ क्यों आती है। मैंने आपको पहला मेथड तो बता दिया था कि स्प्रिंग की वजह से। एक मेथड और होता है जो कि हमारा गाड़ी का होता है कॉन्सेट। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपका कॉन्सेट ख़राब हो जाए तो आप कैसे बदलवा सकते हैं, और कॉन्सेट हमारा आता कितने का है और होता कैसा है। ठीक है, तो चलते हैं पार्ट्स की तरफ। ये हमारा कॉन्सेट, इसकी भी मैं आपको MRP दिखा देता हूँ। और एक चीज़ और बताऊँगा कंपैरिजन में, अगर आपकी गाड़ी TVS की या बजाज की है तो। ठीक है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ आपका पार्ट नंबर 25K170S और MRP इसकी 410 रुपये। अब वो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेट कुछ होता है इस तरह का, जिसमें हमें पहले ये दो बैरिंग, ओहो एक इसकी बैरिंग तो गिर रही है, गिर मत जा भाई लगाने से पहले। ठीक है, तो ये हमारा कुछ होता है इस तरह की बैरिंग। अब आपको ये होगी हमारी पहले से फिटेड वाली बैरिंग। अब इसमें आपको दिखाऊंगा, ये जो नए मॉडल में आ रही है ना, पहले क्या होता था कि पहले खाली ये गोलियां आती थी, जिसमें कि हमें इसमें ग्रीस लगा के, ये रहा, इसमें हमें ग्रीस लगा के सैड करनी होती थी, इनमें हमें ग्रीस लगा के सैड करनी होती थी। अब कंपनी ने ये सिस्टम कर दिया है कि ये ऑटोमेटिक प्लास्टिक में आती हैं, जिससे कि थोड़ी सी, वो कहते हैं ना कि कंपनियां भी तेज़ हो गई हैं, थोड़ी सी इसमें जगह भी कम हो जाती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आपको दिखा देता हूँ। अब आप ये इतना इतना गैप देख रहे हैं, पहले क्या होता था इस गैप को करने के लिए, जैसे कि अब इसमें अगर होंगी 100, एग्जाम्पल लगा लो, अगर इसमें 16 हैं तो पहले तो 20 लगती थी। अब कंपनी ने वो 16 ही गोलियों में, इसके रिंगों में सेटलमेंट कर दिया, क्योंकि आधे से ज़्यादा जगह तो प्लास्टिक ने घेर ली, तो कंपनियां भी तेज़ हो जाती हैं। वो कहते हैं ना कि कॉस्ट कटिंग ज़्यादा हो रही है और दाम बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये कहाँ 200-250 रुपये में आती थी, अब 300, 350, फिर 400। ठीक है, हाँ, पर ओरिजिनल की क्वालिटी अच्छी होती है, तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है। आपको बता देता हूँ कि आवाज़ आती क्यों है। एक तो होता है आपका हैंडल का गला, जिसमें हमारे ये लगता है, जिसे हैंडल टी कसी जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टाइम टू टाइम जैसे कि चलते रहते हैं ना, तो ये घिसती रहती हैं। और ये घिसती भी क्यों है, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग चलती है, गांव देहात में चलती है, तो उसमें क्या होता है, हम ध्यान नहीं करते, वो मट्टी लगती रहती है, वो मट्टियों से ग्रीस निकल जाता है, ग्रीस भी एक टाइमिंग होती है, वो निकल जाती है। ठीक है, अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा तो ग्रीस निकल गई, यहाँ पे मट्टी लग गई, और मट्टी ने रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के ये सारी गोलियाँ काट दी। अब उसमें से एक गोली भी कट के बाहर निकल गई, तो उसने पूरी प्लास्टिक काट दी। तो उस वजह से हैंडल, आपको देखा होगा, आपने कभी देखा होगा कि हैंडल एकदम ढीला हो गया, एकदम टाइट हो गया, हैंडल में से धचकियों में कट कट की आवाज़ आ रही है, हैंडल ऐसे ऐसे करने पे पहिया हिल रहा है, तो सब प्रॉब्लम इसी वजह से आती है। तो इसको हम बचा भी सकते हैं अगर आप टाइम टू टाइम ध्यान दे रहे हैं तो। ज़रूरी नहीं है, जैसे आप चैन साफ़ करते हैं ना, जैसे बंदे चैन को रिकमेंड करते हैं कि आपकी बाइक की चैन हमेशा 500 किलोमीटर पे लुब्रिकेंट होनी चाहिए, तो ऐसे इसको 400-500 किलोमीटर पे आप भी देख लो इसको, कि इसमें ग्रीस है या मट्टी लग रही है तो साफ़ कर लो। ठीक है, प्रॉपर वॉशिंग करो तो इसको साफ़ करो, गले को, टी वाले सेक्शन को, जो बाइक का टी लगने वाला सेक्शन होता है उसको आप क्लीन करें प्रॉपर, तो आपका इसकी भी लाइफ लाइफ ज़्यादा बढ़ेगी। तो कुछ ऐसे ऐसी पॉइंट होते हैं जो कि हम लापरवाही कर जाते हैं अपनी गाड़ी में, ध्यान करने के बाद जब नए होते हैं ना, नया नया शौक होता है, फिर तो आप तो गाड़ी चमका रहे हो, ठीक कर रहे हो, जहाँ जहाँ गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उसमें बंदे ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, आपकी गाड़ी है, आपने ही पैसा लगाया था, खरीद के लाए थे, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दिया करो। ठीक है, और अब तो ज़्यादा महंगी हो रही हैं,
अगर स्प्लेंडर भी 1-1.5 लाख की हो रही है, अगर आप किस्तों में लेते हो तो, और आप 1.5 लाख रुपए लाके उसको ध्यान नहीं दोगे तो गलत बात है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो। और ये मेरी वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करें और गलत लगी हो तो भी कमेंट करें, और लाइक करें डिसलाइक करें पर कमेंट ज़रूर करें कि हाँ मैंने इस वजह से डिसलाइक करी थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका अपना दोस्त विष्णु आपके लिए एक और वीडियो लाएगा जल्द, और ऐसी किसी और पार्ट्स की वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि हमारी आने वाली वीडियो आप देख सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका अपना दोस्त विष्णु आपके लिए आके ऐसी वीडियो और लगा। जय हिंद।